स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों की ओर। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। दो जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया। इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइया की पीठ ने 5 सितंबर को मामले पर बहस सुनाकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किन शर्तों पर दिल्ली सीएम को जमानत दी। 192 दिन बाद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। दोनों जज ने 10-10 लाख मुचलके पर दोनों जजों की सर्वसम्मति से फैसला। 80 दिन से सीबीआई की हिरासत में थे केजरीवाल। मुकदमे में सहयोग करें केजरीवाल। ईडी के बाद सीबीआई मामले में भी मिली जमानत। सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे। केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जांच में सहयोग करेंगे। ईडी मामले में केजरीवाल को मिल चुकी है जमानत। केजरीवाल को अगर सीबीआई के केस में जमानत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस वक्त वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में थे। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।